आज यानी 15 नवंबर के दिन 30 साल पहले क्रिकेट के इतिहास में एक ऐसे शख्स ने कदम रखा था जिसने भारत में क्रिकेट की तस्वीर ही बदल दी। वैसे तो यह महज एक मामूली तारीख है, लेकिन अपनी बड़ी शख्सियत के बूते छोटे कद के एक खिलाड़ी ने इसे बड़ा बना दिया। इसी तारीख को एक 16 साल के मासूम से चेहरे और घुंघराले बाल वाले लड़के ने इंटरनेशनल क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा था। बाद में पूरी दुनिया उसे क्रिकेट के भगवान का दर्जा देने लगी। इस खिलाड़ी का नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर। जी हाँ, आज ही के दिन मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट की शुरुआत की थी। 1989 में भारत ने पाकिस्तान का दौरा किया। उस दौरान टीम की कप्तानी धाकड़ बल्लेबाज कृष्णमाचारी श्रीकांत संभाल रहे थे। टीम में गवास्कर, मोइंदर अमरनाथ जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल नहीं थे। ऐसे में चयनकर्ताओं ने सचिन को टीम में चुनकर भारत को सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाला खिलाड़ी दे दिया। सचिन के लिए यह दौरा बहुत खास भी था और उनके लिए ये एक बेहतरीन मौका भी था। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 409 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 262 रनों पर ही सिमट गई थी। सचिन महज 15 रन ही बना पाए और एक शानदार इनिंग गेंद पर बोल्ड हो गए। सचिन को आउट करने वाले बॉलर का भी ये डेब्यू मैच था और गेंदबाज का नाम था वकार यूनुस। वकार यूनुस पाकिस्तान की सबसे सफल गेंदबाजों में से एक रह चुके हैं। उस समय पाकिस्तान की टीम अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जानी जाती थी। पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान ने पहली पारी में शानदार 109 रन ठोके थे, जबकि दूसरी पारी में सलीम मलिक ने नाबाद 102 रन बनाए थे। फिर गेंदबाजी के दौरान इमरान खान, वसीम अकरम और वकार यूनिस के अलावा अब्दुल कादिर भी थे जिन्होंने गजब की स्पिन गेंद डाली थी। वहीं टीम इंडिया की तरफ से पहली पारी के दौरान किसी भी बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, जबकि दूसरी पारी में संजय मांजरेकर ने नाबाद 113 रनों की शानदार पारी खेली थी। गेंदबाजी में कपिल देव और मनोज प्रभाकर ने अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि यह मैच ड्रॉ हो गया था। और फिर यहीं से शुरू हुआ सचिन का वह सफर जिसने विश्व क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ी। कीर्तिमानों की झड़ी लगाते हुए सचिन ने कुल 200 टेस्ट मैच खेले। 24 साल के करियर के दौरान सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 53.78 की औसत से 15,921 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 51 टेस्ट शतक और 68 अर्धशतक जमाए। इतना ही नहीं, सचिन के नाम क्रिकेट के बहुत से रिकॉर्ड हैं, जिनमें से एक 100 इंटरनेशनल शतकों का रिकॉर्ड भी शामिल है। इसे संयोग ही माना जाएगा कि 2013 में सचिन ने अपने टेस्ट क्रिकेट की आखिरी पारी 15 नवंबर को ही खेली थी। वेस्टइंडीज के खिलाफ 14 नवंबर को शुरू हुए मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन सचिन 74 रन बनाकर लौटे। इसके साथ ही 24 साल एक दिन के सफर के बाद सचिन ने आराम लिया। 24 साल के करियर के दौरान सचिन ने टेस्ट और वनडे मैचों में कुल मिलाकर 664 मैच खेले और उन्होंने इस दौरान 34,357 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से कुल रिकॉर्ड 100 शतक और 164 अर्धशतक निकले। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।